जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, ये रोड गाड़ियों के लिए तो नहीं, ट्रैकिंग के लिए बनाया गया होगा और अब इस पे गाड़ियाँ चलने लगी हैं। अगर ये गाड़ियों के लिए होता तो प्रॉपर गवर्नमेंट ने इसको रोड बनाया हुआ होता। यू कैन सी गाड़ियाँ आ रही हैं यहाँ पे लगातार। यहाँ से मीन्स स्पॉट बड़ा इंटरेस्टिंग है, ब्लाइंड लेक जहाँ पे हम जा रहे हैं अभी, तो मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ वहाँ पे जाने के लिए। देखते हैं वहाँ कैसा कैसा व्यू है, क्या वहाँ पे एनवायरनमेंट मिलता है हमें, क्राउड कितना मिलता है, क्योंकि अभी तो लोग काफ़ी आ रहे हैं वहाँ से। गाइस यू कैन सी कैसे बादलों को पास करती हुई लाइट्स पीछे आ रही हैं। अगर मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊं, ये देखिए लाइट्स बादल को क्रॉस करके, जहां जहां क्लाउड्स नहीं है वहां से लाइट्स नीचे आ रही हैं। लाइक यू कैन सी ये लोग ट्रैकिंग करके आ रहे हैं यहाँ के लोकल्स के साथ। अब थोड़ा सा ही रूट रह गया यहाँ से, 5 मिनट शुरू हो गया है। यस दिस इज द ब्लाइंड लेक, मेरे लेफ्ट पे आपको नजर आ रही होगी। झटकों से आपको अंदाजा हो सक रहा होगा कि कैसा रूट है ये। ओ माय गॉड, ओ, अब हाइट है, हाइट गेन करके हम लोग फिर रिवर के पास आके रुकेंगे। ये तो गाइस यू कैन सी हम लोग ब्लाइंड लेक पहुंच चुके हैं। सब लोग अपनी सीट्स को पकड़ लें, अगर बेल्ट्स नहीं लगाए तो बेल्ट्स लगा लें। यू कैन सी जैसे अभी हमें डेजर्ट पे मिला था रूट, बिल्कुल वैसा ही रूट है ये। ओह माय गॉड, ओह ओह ओह, व्हाट अ रफ रूट। बल्कि कैंपिंग इधर करो हमने क्या। ओह कैंपिंग, हाँ होटल तो है बट कैंपिंग बच्चों के साथ आना बड़ा मुश्किल होता है। यू कैन सी यहाँ पे काओ ऐसे खुली हुई है और बड़े कलरफुल काओज है यहाँ पे। ये भाई तो कैंपिंग का एक्सपर्ट है जो पीछे बैठा हुआ है। ओह शीप नीचे आ जाएगी, यू कैन सी गाइस हमारी गाड़ी के पास कैसे शीप्स है। मैं सो मेनी काउस आयल उतर के प्यार करना आपने। अरफा बोलेगी फिर हम जाएंगे। कौन इतने डीप, ओ माय गॉड कितने सारे लोग हैं यहाँ पे। ओ टक्कर मार दी अंकल ने गाँव को। ये हम पहुंच चुके हैं अपने ब्लाइंड स्पॉट पे। काऊ को लग गई। और यहाँ पे प्रॉपर एक रिसोर्ट बना हुआ है, वहां पे हम यहाँ पे कैंपिंग भी लोग करते हैं और राहिल यहाँ पे अभी इनको प्यार भी करेगा। चली जाएगी गाड़ी तो। ये बकरियों को नहीं करना, गायों को करना। We have reached. ये हमारा पॉइंट। So, आहिल। ये देखो तो। क्या हो रहा है? आओ ना यार। आहिल ये भी। आहिल here you go. सारे आ जाओ, सारे आ जाओ करूँगा। अरे आना यार, मछली नहीं कर। ये आइल यू कैन डू इट। आइल के ऐसे बनाए ना लैंडस्केप पोर्ट्रेट। आइल यू कैन डू इट, गिर मत जाना अंदर, आप पीछे हटो ये खुद आएंगी।
वो अपने पापा। सो हम लोग आ चुके हैं ब्लाइंड लेक और रास्ता थोड़ा सा खतरनाक था इसका, खतरनाक का नहीं था, थोड़ा सा बम्पी था, लेकिन जो यहाँ का व्यू है दैट्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी वेल। और अगर आप मेरे बैक साइड पे देखें तो वहाँ पे बोटिंग हो रही है और यहाँ का पानी इतना गहरा नहीं है तो हम नहा भी सकते हैं और मोस्ट प्रोबेबली हम यहाँ पे स्विम भी करेंगे। सो लेट्स गो एंड गो फॉर सम स्विमिंग या थोड़ा पाँव वाँव तो भिगोएं यार। ये तकरीबन शिगर से लाइक 35 to 40 मिनट्स ड्राइव है और इसके बाद यहाँ पे यू कैन हैव योर टी ब्रेक्स एंड ऑल। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि एनिमल्स सारे खुले हुए हैं, यहाँ पे गोट्स हैं, काफ्स हैं, तो बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं, स्पेशली आहिल, वो देखो हर्ड ऑफ कैटल ओवर देयर। और यहाँ पे ड्रैगन फ्लाइज भी बहुत सारी घूम रही हैं, तो अब हम जाएंगे। सो लवली, सर पे हाथ रखो, चलो आप पकड़ो, कैसे पकड़ूंगा सर, कान पकड़ लो इसको, नाराज हो गए फिर क्या कर रही है, अबे जो गुस्सा करने लग गई है, बोल तो नहीं है ना तुम, बताओ बोल तो नहीं है। सो अब हम जा रहे हैं ब्लाइंड लेक के अंदर और पानी यहाँ पे गहरा नहीं है और क्रिस्टल क्लियर पानी है, तो आपको नीचे का सारा कुछ दिख रहा है कि पानी के अंदर का सारा पत्थर वत्थर मार्ड, एवरीथिंग इज विजिबल, सो नाइस एक्सपीरियंस ओवर हियर। आ जाओ आप, गहरा नहीं है बिल्कुल भी, ओह माय गॉड। सो अब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, मैं इधर आई हूँ तो मेरे घुटने तक पानी है। अब आप भी तस्वीर, हेलो आहिल, मेरा हाथ पकड़ो, पत्थर है। सो वी वर ऑल सेट फॉर अ बोट राइड और माई हस्बैंड वॉज बार्गेनिंग फ्रॉम द गाइज फॉर दिस बोट और इन्होंने हमसे इस बोट का टोटल 500 रुपीज़ चार्ज किया और ये हमें एक आगे रेड फ्लैग है वहाँ तक लेकर गए थे। उसके आगे जो है वो काफ़ी डीप होता है, ये लेक काफ़ी डीप हो जाती है जिसकी वजह से वो उस पॉइंट से बियॉन्ड नहीं जाते और वो आई गेस इनका जो है वो फिशिंग एरिया है एज टोल्ड बाय देम। अस्सलामुअलैकुम गाइस, अब हम लोग ब्लाइंड लेक में बोटिंग के लिए निकले हैं। ये कौन सी बोट कहलाती है? चप्पू बोट। यार आप सर काट देते हो उसमें, ये चप्पू वाली बोट है और ब्लाइंड लेक जो है वो ज्यादा गहरी नहीं है, लेकिन मतलब अब थोड़ा सा मजाक उड़ाओ इनका क्यों भाई, नॉट द वे, जो ताकत लग रही है, बेचारे तो चला के आए हैं साथ, 4 मिनट की चांदनी थी, ड्रैगन फ्लाई थी। मम्मा अपना मुंह, आप इधर आ जाओ थोड़ा, नहीं आप उधर ही रहो ना, बैलेंस रखो आप, बस आप उधर हो एकदम से वेट उधर चलाएगी तो वेट हमें मेंटेन करना पड़ता है। आप आगे का व्यू दिखाएं बजाय कि अपनी शक्ल पे रखी हुई है। मैं अच्छा, तो मेरे भाई क्या नाम है आपका? मंजूर हुसैन सर। मंजूर भाई आप यहीं के रहने वाले हैं? जी सर, इधर के हैं। अच्छा, अब हम ये जानना चाहते हैं आपसे, बल्कि हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि इस लेक को ब्लाइंड लेक क्यों कहा जाता है और काफी सारे यानी कि लोग घूमने स्पेशली यहाँ पे 150 रुपए का टिकट एक बंदे का खरीद के अंदर आते हैं, क्या ऐसा ब्लाइंड लेक के बारे में? सर ब्लाइंड लेक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका पानी कहाँ से आ रहा है ये पता है, इसके बीच में से चश्मा निकल रहा है नीचे से, लेकिन पानी कहाँ जा रहा है ये नहीं पता है। एक इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसमें 50% मछलियाँ आंधी है, इसलिए भी कहा जाता है। जी तो ये कितनी पुरानी लेक है? ये तो पता नहीं, बहुत पुरानी है सर। अच्छा, नेचुरल बात है, इसका पता नहीं कि जा कहाँ रही है। हाँ सर, आ चश्मे से रही है और इसकी मेजोरिटी मछलियाँ ब्लाइंड है। बिल्कुल सर। और इसमें ट्राउट वगैरह ये मछलियाँ तो नहीं होती ना? ये ट्राउट होती है सर, इसमें ट्राउट और देसी दोनों है। सही। इजाजत होती है, फिशरीज वाले 500 रुपए टैक्स लेते हैं पर डे का। वो आप लोग ही लेते हो? नहीं, फिशरीज वाला सर। तो वहाँ बैठा हुआ ठेकेदार बैठा हुआ के मुलाजिम है सर, यहाँ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं जो फिशिंग आता है, 500 रुपए पर। बिल्कुल सर।
हाँ आपकी किस्मत, आप जितनी पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, कांटे से पकड़ते हैं, नेट से पकड़ते हैं? कांटे से, स्पिनर से। अच्छा, आपकी मर्जी है जी, आपकी मर्जी है। यहाँ की मछली लजीज होती है क्या, आप लोगों ने खाई होगी? हमने तो बहुत खाई है सर, बहुत लजीज मछली है यहाँ की, बहुत मजे की है सर, बहुत मजे की। हाँ सर, बहुत शुक्रिया। तो गाइज ये इनका थोड़ा सा सनसेट का टाइम था, सन जो था वो बादलों के पीछे जाके छुप गया था, और हम जो है वो लेक के अंदर बोटिंग कर रहे हैं। एंड दिस लुक सो अनरियल, इतना मज़े का ये नज़ारा था। ये हम हैं, ये ब्लाइंड लेक है, और यहाँ पहाड़ी हो रही है। सो गाइज आफ्टर अ वंडरफुल इवनिंग, अब हम यहाँ से जा रहे हैं शिगर, और फिर वहाँ जाके हम आपको बताएंगे कि शिगर हमें कैसा लगा। सो स्टे ट्यून विद अस, थैंक यू। नहीं तो मैं अपने ऊपर थोड़ी दिखाऊंगी, उधर है, ऊपर करो ना।